नमस्कार, मेरा नाम दर्श माथुर है। मैं कैम्ब्रिज कोर्ट हाई स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। आज मेरी हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल प्रतिबंधित होना चाहिए, हाँ या नहीं। आज मैं इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। आज के आधुनिक युग में मोबाइल एक अति आवश्यक उपकरण है। इसके बिना हमारी दिनचर्या पूर्ण नहीं हो सकती। 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी मोबाइल अति आवश्यक उपकरण है। आज के समय में पढ़ाई बहुत अधिक कठिन हो गई है, तो कई प्रश्न के उत्तर, शब्दों के मतलब पूछने के लिए हमें मोबाइल का सहारा लेना ही पड़ता है। कई बार हम बीमार हो जाते हैं या किसी आवश्यक कार्य से स्कूल नहीं जा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मोबाइल की सहायता से अपने मित्रों से उस दिन का कक्षा व गृह कार्य ले और समझ सकते हैं। इससे हमारी आगे की पढ़ाई में बाधा भी नहीं आती और हम कक्षा के अन्य बच्चों के बराबर रहते हैं। कोरोना में पिछले 2 सालों में मोबाइल बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत अधिक काम आया है, यह तो हम सभी जानते हैं। अगर बच्चों को मोबाइल ना दिया होता तो आज पिछले 2 सालों में बच्चे पढ़ाई में बहुत अधिक पीछे हो जाते। कोरोना के बाद स्कूल खुलने पर भी हमसे कई विषयों पर हमारे YouTube वीडियो मंगवाए जाते हैं, जो मोबाइल के बिना संभव है। हाँ, मोबाइल की सहायता से अपनी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट रख सकते हैं। मैंने भी अपनी कई ओलंपियाड के विषयों की तैयारी मोबाइल की सहायता से ही की थी और अच्छी रैंक हासिल की। कई घरों में माता पिता दोनों ही कामकाजी होते हैं, अतः मोबाइल की सहायता से बच्चे अपने माता पिता से संपर्क में रह सकते हैं। मोबाइल सिर्फ बातचीत और पढ़ाई के ही काम नहीं आता। हम मोबाइल की सहायता से कई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इंग्लिश, स्पोकिंग, योगा, डांस आदि सभी चीजें सीख सकते हैं। हम मोबाइल की सहायता से न्यूज, समय, तापमान आदि सभी की जानकारी भी ले सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोबाइल एक प्रकार से कंप्यूटर का छोटा सा रूप है। यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम उसका कितना सही और कितना गलत उपयोग करते हैं। अगर थोड़े नियंत्रण के साथ बच्चों को मोबाइल दिया जाए तो वह बहुत उपयोगी है बच्चों के लिए। धन्यवाद।